माहौल कैसा चल रहा है, पार्क में भी देख रही है लड़कियां घर से आती है पढ़ने के नाम पर, लेकिन बाहर क्या कर रही है आप सब देख ही रही है। इसको और भी सरकार को बहुत तरह तरह का, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत तरह का सुविधा है, वो सरकारी स्कूल में और धीरे धीरे उसमें लाना चाहिए। जब इतना पैसा खर्च कर ही रही है सरकार, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने से और अच्छा हो सकता है। जो पूंजीपति है कैपिटल, बहुत एजुकेशन, हायर एजुकेशन कर लेने के बाद उनके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन रहता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, खुद मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाया सेंट जोसेफ में, कॉन्वेंट में, आरपीएस में, इस समय पढ़ाया, तो मैंने देखा जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन मिलने के बाद आगे कोई ड्यू टू लैक ऑफ मनी दे कांट डू एनीथिंग, वो और यूजलेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, वो ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में, मैं हूं मुस्कान। आज हम आए हैं जानने कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, एजुकेशन कहाँ है और किस लेवल पे जा रहा है। तो आज हमारे साथ हैं, एजुकेशन के बारे में क्या बताइएगा, बिहार में आप काम करते हो, आपका एनजीओ एजुकेट करता है, मोटिवेट करता है, तो एजुकेशन है कैसा, बिहार का क्या स्टेटस है एजुकेशन को लेकर? नहीं, बिहार का स्टेटस ये है एजुकेशन को लेके कि बहुत ही कम है, बहुत सारे जगहों पे एजुकेशन नहीं है। और हम लोग का ऐसे भी 14 सेंटर चलता है पटना में, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर स्लम्स के बच्चों को, उन लोगों को एजुकेशन मिल नहीं पाता, बेसिक एजुकेशन भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हमारे वॉलंटियर के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशन कैसा है बिहार का? एजुकेशन फ़िलहाल ठीक ठाक है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत नर्वस है ये। पहले की अपेक्षा मतलब कब पहले? जैसे कांग्रेस की सरकार में बहुत अच्छा शिक्षा चल रही थी, लेकिन अब बहुत गड़बड़ा रहा है, जैसे कि अब नीतीश कुमार दे रहे हैं साइकिल के बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां उतना जागरूक नहीं हो पा रही है, और सब लड़के देख ही रही हैं जैसे कि आजकल माहौल कैसा चल रहा है, पार्क में भी देख रही है लड़कियाँ घर से आती है पढ़ने के नाम पर, लेकिन बाहर क्या कर रही है आप सब देख ही रही है, तो शिक्षा में थोड़ा सुधार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिहार का मतलब एजुकेशन अभी कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है? इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत लो जा रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छा खासा चल रहा था, स्कूल भी अच्छा खासा चल रहा था, परसेंटेज भी जो बच्चे का 60% आता था वो उसका बहुत काबिलियत होती थी, बहुत मेहनत करता था। ऐसे इस क्वेश्चन क्या है, 92% लाने वाला विद्यार्थी भी वो क्या करके लाता है, क्या उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो वो नर्वस हो जा रहा है, नहीं बता पा रहा है ठीक से। लेकिन तक हम जहाँ तक उम्मीद है कि शिक्षा में सुधार बहुत लाने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल अभी कोचिंग व्यवस्था बिहार के भी ठीक ठाक हो रही है, नमीर नमीर स्टूडेंट कोचिंग सर जैसे कि खान सर हैं, ज्ञान बिंदु के वो सर आ रहे हैं, इन सब से उम्मीद है कि बिहार की शिक्षा बहुत सुधरेगी। में एजुकेशन का क्या स्तर है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, लोग भाग रहे एजुकेशन पर बात करने पर? देखिए, पूरी दुनिया में नालंदा जो था, पूरे बिहार हमेशा ये एजुकेशन का एक गढ़ रहा है, आज से नहीं आदिकाल से, यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि मुनि और ऐसे ऐसे मैंने ज्ञानी पुरुष यहाँ पर जन्म लिए हैं जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो एजुकेशन है बहुत पूरा एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन कर दिया गया है, क्योंकि मेरा बचपन रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीता, तो हम लोग का जो गुरुकुल की जो परिस्थिति देखा, गुरुकुल की जो शिक्षा देखा, इतना जो क्राइम हो रहा, आज पेपर उठा के देखो, सारा तब देखो, इतना तरह का जो क्राइम हो रहा, व्हाट वाज द रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअलिटी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, या दैट इज़ द रीजन। तो हम लोग को जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम की परंपरा को, जो बौद्धिक सिस्टम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन खोजता है। आजकल क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया है, इंडिविजुअलिज्म हो गया है, इसीलिए बिखराव होता है, लोग शादी होता नहीं है और पहले से फ्लैट बुक है लड़के के लिए कि वहाँ जाकर लोग रहेंगे, तो ये सब चीज़ के कारण एक बिखराव हो रहा है। वो हमारा जो इंडिया जो था, इंडिया वास्तव में गाँव में वास करता, आज भी आप चले जाओ गाँव में तो वहाँ पर देखेंगे कि लोग एक दूसरे से लोग बंधा हुआ है, मतलब इतनी मतलब डायनेमिक मतलब एक परंपरा जो बनी हुई है जिसको आज इतनी शताब्दी के बाद भी कोई बिगाड़ नहीं सका है, तोड़ नहीं सका है, तो वो कल्चर, वो आध्यात्मिक और वो रिलेशन की ज़रूरत है। आजकल हर एक लोग में क्या हो गया कि आपके पास पैसे, जब तक पैसे है पीपुल हैव टू आस्क यू। हाँ, एक मेरे को लाइन मतलब याद आ गया, सुना देते हैं इंजॉय करने के लिए। क्या लाइन था जो आप बताने वाले? जी, देकर खो गया तुम्हें, क्या किया तुमने उस हम सफ़र के लिए, तुम्हारे सामने ये दर बदर भटकन, क्या नाम दूँ तुम्हारे शहर के लिए, और जिनकी उंगलियां बनाती रही ऊंची ऊंची इमारतें,
वही आते रहते हैं घर के लिए। जो पूंजीपति है कैपिटल बहुत एजुकेशन हायर एजुकेशन कर लेने के बाद उनके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन रहता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, खुद मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाया सेंट जोसेफ में, कॉन्वेंट में, RPS में, इस समय पढ़ाया, तो मैंने देखा जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन मिलने के बाद आगे कोई ड्यू टू लैक ऑफ मनी दे कांट डू एनीथिंग, वो और यूजलेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, वो ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसमें गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट इतने तरह के इनिशिएटिव, इतने तरह के सहूलियत दे रही है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लोग उसको प्रॉपर गाइडलाइंस देने की जरूरत है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने की जरूरत है। देखो भोजन वस्त्र आवास जीवन का सबसे बड़ी चीज़ है, और ये आपका दोस्त दुश्मन और पड़ोसी भी पूरा कर देगा, लेकिन जीवन में सच्ची राह दिखाने वाला वो हजार ना होकर एक व्यक्ति काफ़ी है। तो अभी हम आए हैं मरीन ड्राइव पे, यहाँ पे लेडीज की पार्टी दिख रही है, यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन के बारे में क्या कहना है। मैम बिहार में एजुकेशन लेवल कैसा है और क्या एजुकेशन का स्टेटस है बिहार का? अभी एजुकेशन का लेवल तो प्राइवेट वाला अब बहुत अच्छा हो गया है, मैंने जो पहले था उससे मतलब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा हो गया है पहले से। हाँ, और टीचर्स भी ये लोग, जैसे मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ता था तो वहाँ पे साउथ के टीचर्स थे, तो चाहे इंग्लिश स्पोकन हो चाहे वो लोगों का, या टीचर्स बाहर से लाना, अभी वो लोग का प्लस टू में भी है तो IITian टीचर्स वो लोग लेके आए हैं कि जो साइंस का है, जिससे कि स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है। बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका स्टेटस भी आपको पता है, लेवल ऑफ एजुकेशन और लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता है, उस पर क्या कहिएगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अच्छा, गवर्नमेंट में तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, बहुत ज़रूरी है, पर हाँ अभी जो नए टीचर्स जो बहाल हो रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एजुकेशन वाइज वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, पर जो पहले के हैं तो वही वाला है कि पहले वाला तो उतना वो लोग उतना ध्यान नहीं दिए, पर अभी के जो टीचर्स जो रिक्रूटमेंट अभी जो हुआ है वो टीचर अच्छे हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं उसमें, तो हम जानते हैं कि उन लोगों का मतलब उन लोगों का पढ़ाई का स्तर अच्छा था, तो वो लोग अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैम आप क्या कहिएगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर कैसा है? बिहार का एजुकेशन तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप अभी पूछ रही थी गवर्नमेंट के स्कूल के बारे में, तो गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स से बहुत सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल को अगर प्राइवेट वाले को ही दे दिया जाए तो वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें, वैसा टीचर होना, हाँ वैसा टीचर होना चाहिए, वैसा वो लोग में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल सब में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया या प्राइवेट स्कूल के हैंडओवर कर दिया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैम जैसे सैलरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी हाइक मिलती है, तो उसमें जो प्राइवेट के टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, जब सैलरी अच्छी है आपको वही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है तो वो पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन लोगों को मिलता नहीं है अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जाना नहीं है, वो बहुत उन लोगों का इन गाँवों में पोस्टिंग हो जाती है जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए वो अपने फैमिली के चलते फैमिली लाइफ वहाँ नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। अगर वही उन लोगों को फैसिलिटीज़ अगर टाउन में मिल जाए, शहर में मिल जाए, तो वो लोग सब लोग खुशी खुशी करना चाहेंगे ये चीज़ें। और बिहार का एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, यहाँ के बच्चे हर गवर्नमेंट ये जितने भी कॉम्पिटिशन है बिहार के टॉप कर रहे हैं, अभी हमारे बिहार की ही लड़की टॉप 3 में रही, टॉप 5 में रही है, तो बिहार UPSC टॉप 5 में, सिविल सर्विसेज में रही है, इंजीनियरिंग में भी लड़की जा रही हैं, मेडिकल्स लाइन में भी लड़कियाँ हमारे बिहार के बहुत हर फील्ड में बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे यहाँ का, तो एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ का, पहले से इम्प्रूव है, बहुत इम्प्रूव है, बहुत ही इम्प्रूव है। मैम आप लोग क्या कहिएगा एजुकेशन लेवल कैसा है बिहार का? नहीं, हमको तो पहले से बहुत सुधार दिख रहा है, पहले जो था सरकारी स्तर का व्यवस्था ये सब अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है, बहुत फास्ट इम्प्रूव कर रहा है और आगे करना चाहिए, और इसको और भी सरकार को बहुत तरह का, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत तरह का सुविधा है वो सरकारी स्कूल में और धीरे धीरे उसमें लाना चाहिए, जब इतना पैसा खर्च कर ही रही है सरकार तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने से और अच्छा हो सकता है। मैम आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये प्राइवेट में सारा पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा फोकस किया है, गवर्नमेंट में इतना नहीं है, बच्चे भी रेगुलर नहीं हैं और टीचर भी रेगुलर नहीं है, जितना प्राइवेट में अटेंशन दे रहे हैं उतना सरकारी में नहीं है, धीरे धीरे सरकारी में देना चाहिए, अगर देंगे तो और अच्छा होगा एकदम, लेकिन हम तो सरकार को मतलब उस पर मॉनिटरिंग के लिए बैठाना चाहिए ना कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, बच्चे गाँव के हो या शहर के हो, बच्चे बच्चे हैं, और अगर सरकारी को ही प्राइवेटाइज कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और हम लोग का सरकारी से बाहर हम देखते UP वगैरह में बहुत अच्छा है हम, लेकिन फिर अफोर्डेबल कहाँ से रहेगा जो पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं।
जैसे यूपी का है, दिल्ली का, गवर्नमेंट स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोग प्राइवेट सारा गवर्नमेंट में जाते हैं, बिहार क्यों इतना पीछे रह गया यहाँ पे? नहीं तो हम जानने आए थे कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है, लोग क्या समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल के लेकर या प्राइवेट स्कूल को लेकर, क्या एजुकेशन है। लोगों ने कहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे अगर रिक्रूटमेंट पे ध्यान दिया जाए और प्राइवेट जैसे टीचर्स को लेता है वैसे ही लिया जाए तो बहुत बेटर हो सकता है एजुकेशन लेवल, जैसा दिल्ली और यूपी का है। तो एजुकेशन लेवल पहले से इम्प्रूव हुआ है लोगों के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। आप अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।